बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा का आगाज थोड़ी ही देर में राजघाट से शुरू होगी। कांग्रेस की ये दिल्ली न्याय यात्रा 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये न्याय यात्रा, और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। तो आज से इसका आगाज हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, और ऐसे में कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई जमीन को पाने की हर संभव कोशिश कर रही है, और उसी सिलसिले में ये दिल्ली न्याय यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। पवन मिश्रा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, दिखाइए किस तरह की तैयारियां इस वक्त कांग्रेस की इस दिल्ली न्याय यात्रा को लेकर। बिल्कुल, राजघाट के ठीक सामने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां धीरे धीरे कार्यकर्ता जो है यहां पर पहुंच रहे हैं, और 360 किलोमीटर की ये यात्रा जो है बताई जा रही है कि एक महीने तक जो है ये यात्रा जो है चलेगा, और हर विधानसभा यानी 70 विधानसभा में ये जो है यात्रा पहुंचेगी। लोगों से जो है बातचीत यहाँ पर किया जाए, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता है उनसे हम बात करते हैं। सर, इस न्याय यात्रा का मकसद क्या है? नहीं, लोगों के बीच में जाना, लोगों से संपर्क करना, और जो दिल्ली को न्याय नहीं मिल रहा है वो न्याय दिलाना, यही मकसद। लोगों तक न्याय का मतलब है कि जो लोगों को झूठे वादे इन लोगों ने कर रखे, ऊपर नीचे दोनों ने, आप पार्टी भी है बीजेपी भी, इन्होंने झूठे वादे किए हैं, उसकी उन आवाज जो वर्कर्स की आवाज है, हम लोगों तक जा रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंचे। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो आप साथ में थे, उस वक्त साथ में थे, विधानसभा चुनाव आ रहा है तो आप अलग हैं। देखिए, हमारी पार्टी ने एक कोशिश की कि सारे देश में बीजेपी को हटाने के लिए हम गठबंधन करें, सब मिलकर चलें, क्योंकि बीजेपी ने देश के माहौल को खराब कर दिया, किस जगह पर ले आई मेरे से ज्यादा आप जानते, लोग जानते, इसलिए सब लोगों का था कि गठबंधन हो, और हमने एमपी के इलेक्शन में गठबंधन किया, उसका रिजल्ट आप जानते, कुछ हुआ नहीं है। इनके लोगों ने हमारे कैंडिडेटों के कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं किया, घरों में बैठ गए। उस गठबंधन का फायदा क्या है जिसमें आप निकले ना, अपनी सीटें भी नहीं जिता पाए और हमारी भी हरा दी आप लोगों ने। तो हम अब गठबंधन, क्योंकि हाई कमांड है कांग्रेस पार्टी, वो क्या फैसला लेगी, लेकिन हम पब्लिक ये चाहती है कि हमारे लोग आज देश में दिल्ली में लोग बदलाव चाहते, बदलाव चाहते। आपका क्या नाम है? राजेंद्र। कहाँ से हैं राजेंद्र? मैं संगम बिहार विधानसभा से आया। संगम बिहार से आप? जी 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 जी। इस यात्रा में शामिल हैं? जी जी जी। क्या मकसद है? मकसद तो है कि पार्टी जिस तरह से आदेश करेगी उसके हिसाब से हम लोग काम कर, पार्टी हिसाब करे तब आपका मकसद है। आपका क्या नाम है? चलिए ठीक है पवन, आप लगातार बने रहिएगा, अब नजर रहेगी कि इस यात्रा के जरिए कितनी सफलता हासिल कर पाती है कांग्रेस, अब यह बड़ा सवाल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर।